अब वो खड़ा हुआ। अब वो जब दुशासन चला द्रौपदी की ओर, तब उसने देखा अपने पांचों पांडवों की तरफ कि मेरी रक्षा करो। ऐसे उसने ध्यान से देखा कि ये अब देखती हूँ ये क्या करेंगे, अभी झगड़ा कर देंगे, इनका गुट मारेंगे खड़े होकर। वो तो नीचे गर्दन कर ली। फिर उसने सोचा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण जैसे योद्धा बैठे, ये ऐसा जुल्म थोड़ा ही करने देंगे। उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी नीचे गर्दन कर ली। अपुन आत्माओं, जब तक हम संसारिक व्यक्तियों का सहारा देखते हैं तब तक परमात्मा मदद नहीं करते। जब हम संसार के लोगों को ये समझ लेते हैं कि ये भी कुछ नहीं है, एक मालिक ही सर्वेश्वर है और वही सब कुछ कर सकता है, तब हमारी आस्था उसमें, हृदय से जब आत्मा रोती है वो आत्मा का साथी है। परमात्मा कहते हैं बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। जैसे चार पांच व्यक्ति बांध रखे हैं किसी ने अलग अलग पाछे नाथ करके वृक्ष के, एक बंधा हुआ दूसरे से कहता है कि तू मुझे खोल दे, वो कहता तू मुझे खोल दे, कोई सा नहीं खोल सकता, वो तो जो खुला खड़ा हो ना वो खोल सके सारे ने। तो केवल निर्बंध कबीर परमेश्वर हैं और सभी बंध में हैं। तो उस समय उस लड़की ने परमात्मा को याद किया, और उधर से फिर जो विदुर जी थे, चाचा थे इनके, वो एक बांदी के यानी नौकरानी से जन्म हुआ था, एक ही पिता से, और इनका जो है ये धृतराष्ट्र पांडव और ये विदुर, ये विदुर जो है ये उनकी नौकरानी थी विदुर की माँ, उनसे उसी के पुण्य के पिता से जन्म हुआ था, फिर इस कारण से वो चाचा कहलाता था। एक विदुर था वहाँ भगत बीज और इंसान, वहाँ खड़ा हो गया, कहने लगा विदुर, बोला रे यो तुम्हारा ही, तुम किसको नंगा कर रहे हो, किसकी इज्जत उतार रहे हो दुर्योधन, चाचे ताऊओं के इज्जत न्यारी नहीं होती। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा, विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, ओए होए तू तो है बांदी का जाया, दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के बड़ी सभा में और कहने लगा तू तो पांडवों का चमचा है, इनने की ओर बोल लाग रहा है, इनकी मेर में बोलता हमेशा, और तू तो बांदी का जाम है ना, यानी एक नौकरानी से उत्पन्न, इसलिए तेरी हीन भावना हमेशा यही रहती है, तू तो है बांदी का जाया। वहां पर भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपुन आत्माओं, जिन महापुरुषों को हम इन कथा सुना करते इन महाभारत की, इसमें ये चरित्र देख, भरी सभा में एक औरत नंगी की जा रही है और उसको देखने के लिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और ये कर्ण, जिनको योद्धा और महापुरुष और बड़े महाबली बाल ब्रह्मचारी कहा करते हम, और उसको नंगा देखने के लिए वहां बैठे, ना टिंडे लेने में बैठे थे, वो नंगा कर उठकर चला जाओ, ना उनको मारो गुट गेर के ढेडो, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा जुल्म आज तक देखा ना सुना इतिहास में, कितना 100 आदमी बैठे दो शेर, वहां ऐसा जुल्म हो रहा, लड़की को नंगा किया जा रहा है, सभा में पंचायत बैठी। कहते हैं तीनों ने हंसे इस बात पे, जब दुशासन ने कहा तू तो एक तो थप्पड़ मारा, अर्ण्यों का तू तो है बांदी का जाया, भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया, दांदरे काटने वे जिनको हम हीरो मानना करते थे। पुनात्माओं, ये नियम है सभा का, या तो साची का इंसान और नहीं तो उठ कर चला जा, नहीं मानने पंचायत, खड़ा हो जा वहाँ से चला जा, उसको दोष नहीं लगेगा। तो वहाँ एक ही इंसान था खड़ा होकर, विदुर ने कहा कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवार, तुम किसकी किसकी बेइज्जती करो हो, अपनी आप इज्जत उतार रहे हो दुर्योधन, कुछ शर्म करो। जब उसके नहीं उसकी बसाई तो उठकर चला गया सभा को छोड़कर।
अपुनात्मो जब भी किसी प्राणी पर आपदा आती है, चाहे वो रंक है और चाहे वो सेठ है और चाहे वो पब्लिक मैन है चाहे वो राजा है, तो अंत में वो भगवान पर सुई जाती है। माइंड की, सबकी माइंड की सुई परमात्मा पर जाती है, उसी को है भगवान। तो तब द्रौपदी ने सब संसारिक देख लिए, ना विषम पितामह कुछ करने को तैयार है, ना द्रोणाचार्य गुरुजी भी, इसके मलिन अन्न खा के इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी इन तीनों की। तब उसने आत्मा रोती है भगवान को, और परमात्मा आत्मा का साथी है, मन का कति नहीं। मन तो जन्म का पता नहीं के मांगे, साइकिल नया देख लिया साइकिल ले लूं, हैं कार बढ़िया देख ली, कार में जा रहा है दूसरी कार देख ली, इसने बेच के या ले लूं, तो ये तो मालिक नहीं, इतने साथ नहीं देगा आपको। और पता नहीं के मांगे या काल के खिलौने। पर आत्मा को के ऊपर जब कष्ट आता है तब परमात्मा इसकी खूब सुनता है। अब क्या कहते हैं, करे करावे साईया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के भाई आप बगल हो जा। अब जैसे उस द्रौपदी ने भगवान याद किया है, परमात्मा मेरी इज्जत रखना, आपके बिना मेरा कोई नहीं। हृदय से आत्मा रोती है, वो कसक न्यारी होती है, उसी समय पर उसकी पुकार कहाँ जाती है, धर्मराज यानी न्यायाधीश, जो यहाँ 21 ब्रह्मांड का न्याय, एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश अलग से है, उसके दरबार में जाती है। वहां जाते ही जिस प्राणी की पुकार गई है उसकी वहां पर एक डिपोजिट, एक कंप्यूटर है ना समझ लो, और उस कंप्यूटर में अपने आप वो सीडी शुरू हो जाती है, वो कैसेट शुरू हो जाती है, वीडियो कैसेट। और धर्मराज देखता है कि इसने कोई ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान किया हुआ है क्या, जिससे मैं इसकी मदद कर सकूं, करा सकूं। तो वहां क्या देखता है कि जो द्रौपदी की खुली कैसेट चालू हुई, उसने क्या कर रखा कि एक अंधे महात्मा महापुरुष को कहते हैं, कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र को दिया हुआ दान भी सफल होता है। वो परमात्मा ही इस आपदा को टालने के लिए स्वयं ही परम संत बनकर अंधे रूप में वहां विराजमान थे। हृदय से आत्मा रोती है, वो कसक न्यारी होती है, उसी समय पर उसकी पुकार कहाँ जाती है, धर्मराज यानी न्यायाधीश, जो यहाँ 21 ब्रह्मांड का न्याय, एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश अलग से है, उसके दरबार में जाती है। वहां जाते ही जिस प्राणी की पुकार गई है उसकी वहां पर एक डिपोजिट, एक कंप्यूटर है ना समझ लो, और उस कंप्यूटर में अपने आप वो सीडी शुरू हो जाती है, वो कैसेट शुरू हो जाती है, वीडियो कैसेट। और धर्मराज देखता है कि इसने कोई ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान किया हुआ है क्या, जिससे मैं इसकी मदद कर सकूं, करा सकूं। तो वहां क्या देखता है कि जो द्रौपदी की खुली कैसेट चालू हुई, उसने क्या कर रखा कि एक अंधे महात्मा महापुरुष को कहते हैं, कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र को दिया हुआ दान भी सफल होता है। वो परमात्मा ही इस आपदा को टालने के लिए स्वयं ही परम संत बनकर अंधे रूप में वहां विराजमान थे। तो उसमें क्या देखा धर्मराज ने कि इसने तो ऐसे महापुरुष को दान कर रखा, नि इच्छा दान, बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ दान अधिक फलता है। एक तो हम करते हैं, भगवान हमारा एक मकान बन जाए, एक पाठ बोल दूं, लाभ तो वो भी होगा, लेकिन वो उड़ा पैरेलल हो गया, बराबर हो गया। और एक नी इच्छा दान करे, पाठ करावे, अपना परम कर्तव्य जानकर, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया हुआ है कि जो दान नहीं करते वो चोर होते हैं, परमात्मा के दिए हुए धन से वो दसवां अंश नहीं देते, दान नहीं करते तो वो परमात्मा के चोर होते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, वो तो अपना पेट भरने के लिए ही अन्न पकाते हैं।
परमेश्वर जी भी कहते हैं दसवां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो इस दृष्टिकोण से अब जो दिया हुआ दान है वो वहां पर विद्यमान है। तो धर्मराज ने देखा इस लड़की का तो ऐसा दान है कि इसके लिए तो इतना ढेर लगा दूं साड़ी का, इतना दान इतना दिया जा सकता है पृथ्वी पर भी ना नोड़े, नहीं पृथ्वी के ऊपर भी पूरी पृथ्वी पर ढांप ले चाहे, इतना दान इसने कर रखा है। उस थोड़े से किए हुए का इतना पुण्य इसको मिला है। तो उसी समय क्या होता है कि वहां से वो धर्मराज फिर वहां से ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहां से फिर अपने आप एक वो दान का एक रिफ्लेक्शन आता है, एक रेंज आती है, पावर आती है। और जिसको वो गुरु रूप में मान बैठा है, जैसे श्री कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे, द्रौपदी जी के भी गुरु थे। श्री कृष्ण तो अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ महल के अंदर बैठा और शतरंज खेल रहा था। शतरंज होती है एक, पहले खेला करते उसमें गुटके है दरा करें, 11 कच्चे 11 पौने पक्के 12 हैं ऐसे, वो पासे डाला करें ऐसे। तो उधर से वो रिफ्लेक्शन उस किए हुए पुण्य की वो पावर गॉड गॉड परमात्मा कबीर जी की रजा से वही करता सारे खेल, क्रय कराव साइया मन में लहर उठा, उसकी लहर श्री कृष्ण में आकर टकराई और आज से पासे डाले नू और पासे डाल के न्यू कह आकर कच्चे 12 या पक्के 18 या 11 जैसे भी न्यू बोलिया करें। वो बोलिया को नहीं, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा और पावर आई ऊपर से और श्री कृष्ण ने ऐसे पासे डाले और हाथ ऐसे कर दिया, अनंत अनंत। अब रुक्मणी उसके हाथ ना पकड़ के सी मजाक करने लगी, न्यू बोली आ गया ना, ये अनंत क्यों कहा, न्यू बोल कच्चे 11 है पक्के 12। तब उसने कहा कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमारी भक्ति सकल में सिखरी और मारी भक्ति पे छोड़ी होई तो हमारा नाम न ले वह कोई, वहाँ श्री कृष्ण तो पासा डारी और वहाँ पहुँचे सुख समरूप मुरारी, श्री कृष्ण तो ला दिया काम खेल ले जा तू, वहाँ कबीर परमेश्वर फिर वहाँ से एक बहाना कहते क्रय करा वह साइया मन में लहर उठा और दादू से दर्जीव का वो आप बगल हो जा, वहाँ से परमात्मा सुख समरूप हो कबीर परमेश्वर द्रौपदी के पास पहुँच गया एक पल में। क्योंकि कुछ यहाँ फॉर्मेलिटियाँ करनी ज़रूरी होती हैं, जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में देखा है, पढ़ा भी है, ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में स्पष्ट किया हुआ है कि इन संसार रूपी वृक्ष की जो टहनियाँ हैं ये देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कहते हैं यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ, जैसे आम के पौधे में जड़ की पूजा करने से पौधा पेड़ बन जाता है, फिर टहनियाँ रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के टहनियों का फल लगते हैं। कहते तुम शास्त्र अनुकूल साधना का जिक्र होता है सदग्रंथों में, तुम यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को उन्नत करो, ये बड़े हुए देवता यानी पौधे से पेड़ बना हुआ टहनियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपके पुण्य संचित होंगे, उनसे संग्रह होंगे, उनसे ये जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियाँ आपको बिना मांगे फल देंगी। इस दृष्टिकोण से समझ लो। तो ये फल, क्योंकि ये तीन कंट्रोलर हैं यहाँ के, तो ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, तो इनके माध्यम से ही वो पूर्ण परमात्मा सब क्रियाएं करवाता है आप जी और हम जी के लिए। इन्हीं का रूप बना करके उनके उपासकों के पास जाते हैं। और दूसरा विधान प्रभु का है कि जो जिस गुरु को मानता है उसी गुरु का रूप बना करके वो परमात्मा उस अपनी प्यारी आत्मा को राहत देने के लिए पहुंच जाता है, ताकि इसकी आस्था बनी रहे और यो भक्ति करता रहे। तो उसमें परमात्मा आकर पीछे बैठ गए सूक्ष्म रूप में और दुशासन चीर खींच रहा है, साड़ी खींच रहा है। दुशासन कहते हैं 1000 हाथियाँ की ताकत जितना